गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो एक्सरसाइज 9.2 सम नंबर 1। सम में हमको दिया है इन फिगर 9.15 ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम वेयर ए ई परपेंडिकुलर डी सी एंड सी एफ परपेंडिकुलर ए डी। इफ ए बी इज 16 सेंटीमीटर ए ई equal to 8 centimeter and CF equal to 10 centimeter, find AD। अब देखो हमको यहाँ फिगर दिया हुआ है जहाँ पर हमको पता है कि AE जो है वो DC पर परपेंडिकुलर है और CF जो है वो AD पर परपेंडिकुलर है, बराबर ना। और AB की वैल्यू AB की लेंथ जो है वो 16 सेंटीमीटर है और AE की लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है। CF जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो हमें AD का पूरा एरिया फाइंड आउट करना है, बराबर ना। तो अब जो है हम इसे दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, मैंने दोनों तरीके से करा है, आपको इसका फॉर्मूला पता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन सेशन में बता दिया था। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, देखो हमारे पास पूरा एक पैरेललोग्राम बना हुआ है ए बी सी डी, बराबर। ए बी सी डी एक पूरा पैरेललोग्राम हमारे पास बना हुआ है। तो इसमें यदि हम बेस सी डी ले, सी डी हम बेस लेते हैं सी डी, तो इसका परपेंडिकुलर ए ई होगा, बराबर ना। और हम ए डी को बेस लेते हैं तो इसका परपेंडिकुलर सी एफ होगा, बराबर। तो सी डी मल्टीप्लाई ए इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाई सी एफ। फिर हम वैल्यू पुट करो, सी डी की वैल्यू 16 सेंटीमीटर है मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू ए डी हमको फाइंड आउट करना है मल्टीप्लाई 10। 16 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 10 इक्वल टू ए डी। ए डी इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 10, इसका मल्टीप्लिकेशन करने से हमको आंसर 12.8 सेंटीमीटर मिलेगा। देखो मैं बता दूँ, 5 4 ज़ा, बराबर। 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, सॉरी 5 3 ज़ा 15, और 15 यानी ये 3.2 आएगा, बराबर। और 3.2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो हमको आंसर जो मिलेगा वो 12.8 सेंटीमीटर मिलता है, बराबर। तो ये जो है हमारा सम नंबर 1 यहाँ पे पूरा हुआ। अब सम नंबर 2 है, इफ ई एफ जी एंड एच आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी, शो दैट एरिया ई एफ जी एच इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी, बराबर। इसमें हमको फिगर दिया हुआ नहीं है, हमको बनाना है। हमको इसमें ऐसा बोला है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और सी डी सॉरी ई एफ जी एच जो है वो उसके मिड पॉइंट है और वो इस तरह से बने हुए जो इनको इंडिविजुअल टच कर रहे, बराबर ना। तो देखो हम ऐसा फिगर बनाते हैं, ए बी सी डी एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, बराबर। और इसमें ई एफ जी एच जो है इसके मिडल पॉइंट आते हैं। तो अब देखो यहाँ पर आपको मेरा इंट्रोडक्शन सेशन याद हो तो आपको यहीं पर से पता पड़ जाता है कि सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन पर जो ट्रायंगल और ये बनता है उसका हम ऐसे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एच ई एफ इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ए बी एफ एच, बराबर। तो देख लेते हम, चलो इन पैरेललोग्राम ए बी एफ एच, ए बी एफ एच पहले हम ये इतना लेते हैं, बराबर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एच ई एफ यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है और ए बी एफ एच ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एच ई एफ इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ए बी एच एफ, बराबर। ये हमारी इक्वेशन 1 हुई। अब सेम चीज़ यहाँ नीचे भी आती है, बराबर। इन पैरेललोग्राम सी डी एच एफ यहाँ पर भी एक हमको पैरेललोग्राम मिल रहा है और एच जी एफ जो है वो हमारा ट्राइंगल बन रहा है, बराबर। तो इसमें एरिया ट्राइंगल एच जी एफ इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ सी डी एच एफ, बराबर ना।
यानी ये ट्राइंगल का हाफ एरिया जो है वो पैरेलोग्राम का हाफ एरिया जो है वो ट्राइंगल के इक्वल है, ये बात मैंने आपको इंट्रोडक्शन सेशन में बता दी थी, बराबर। तो वही चीज़ हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं ऑन एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, बराबर। हम इक्वेशन वन और टू को ऐड करें तो देखो इक्वेशन वन में हमको ट्राइंगल एच ई एफ और ट्राइंगल एच जी एफ, तो एच ई एफ और एच जी एफ इनको हम ऐड करें तो हमको क्या मिलता है, पूरा ई एफ जी एच, और पैरेललोग्राम ए बी एफ एच और सी डी एच एफ इन दोनों को हम ऐड करें तो हमको पूरा पैरेललोग्राम मिल जाता है, बराबर। और वही चीज़ हमको यहाँ प्रूव करनी थी, है ना। तो अब ये हमारा क्वेश्चन भी पूरा हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन जो है, पी एंड क्यू आर टू पॉइंट लाइंग ऑन द साइड डी सी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, शो दैट एरिया ए पी बी इक्वल टू एरिया बी क्यू सी, बराबर। तो इसमें जो है हम फिगर ऐसा बनाते हैं, ये एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी बना लिया, और इसमें हमने कौन से दो पॉइंट ऐसे बनाए जो जिससे हमारा ट्राइंगल बन जाए, क्यू और पी जो है वो दो पॉइंट ऐसे जो इसे यहाँ टच कर रहे हैं, इन लाइनों को टच कर रहे, बराबर। तो हम कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, ट्राइंगल ए पी बी एंड पैरेललोग्राम ए बी सी डी लाई ऑन सेम बेस ए बी, बराबर, इनका बेस सेम है ए बी, बिटवीन द सेम पैरेलल, कौन से दो पैरेलल, तो ए बी और सी डी दो पैरेलल के बीच में, बराबर ना। तो इसमें सेम वही चीज़ जो हमने सेकंड क्वेश्चन में करी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, इसको इक्वेशन वन नाम दे देते हैं। फिर हमारे पास देखो यहाँ दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ये आपको मिल रहे हैं दो ट्राइंगल यहाँ पर, है ना, देखो, बराबर, दो ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पर बन रहे हैं। तो ट्राइंगल बी क्यू सी एंड पैरेललोग्राम ए बी सी डी लाई ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स बी सी एंड ए डी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी क्यू सी इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी पैरेललोग्राम, इसको इक्वेशन वन और टू नाम दे देते, बराबर। ये हमारी वन है और ये हमारी टू है, बाई एडिंग वन एंड टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी, बराबर ना। आपको पता है सेम पैरेलल लाइन पर और सेम बेस पर बनने वाले ये ट्राइंगल और पैरेललोग्राम एक दूसरे के हाफ होते हैं, पता है ना। तो वही चीज़ जो है यहाँ पर सेम चीज़ यूज़ होती है जो हमने यहाँ पे करी है सेकेंड क्वेश्चन में। तो हमारा क्वेश्चन वन टू और थ्री यहाँ पर जो है वो पूरा हुआ।